रिव्यू शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, ये फिल्म कुछ ही लोगों को समझ में आई है और कुछ लोगों को समझ में नहीं आई है। जिन लोगों को ये समझ में आई है उनका कहना है कि ये कुछ ही लोगों को समझ आएगी और बाकियों को नहीं आएगी। और ज्यादातर लोगों को नहीं आएगी, तो मैं उन्हीं ज्यादातर लोगों में से हूँ जिन्हें ये फिल्म समझ में नहीं आई। फिल्म का नाम है लव सेक्स और धोखा। भैया ना ही इसमें लव है ना ही सेक्स है, है तो बस धोखा ही धोखा। दिवाकर बनर्जी लव सेक्स और धोखा का पार्ट 2 लेकर के आए हैं और इस फिल्म को देखते हुए मुझे लगा, अरे कहना क्या चाहते हो, मतलब समझ में ही नहीं आया कि डायरेक्टर कहना क्या चाहता है। ऐसा लगा कि आंखों ने क्या देख लिया कि भैया अब तो आंखें जो हैं कीटनाशक से धोनी पड़ेंगी। मतलब क्या ही चल रहा था यार, समझ में ही नहीं आ रहा था। फिल्म में 3 कहानियां दिखाई गई हैं जिसमें से एक भी समझ में नहीं आती है। पहली कहानी एक ट्रांसजेंडर की है जिसे एक रियलिटी शो जीतना, दूसरी कहानी एक मेट्रो में काम करने वाली ट्रांसजेंडर की है, उसका बॉस है, उसका बॉयफ्रेंड है, कुछ कुछ होता है उनके बीच में, समझ में नहीं आता क्या चल रहा। तीसरी कहानी में वर्चुअल गेमिंग और वर्चुअल दुनिया दिखाई गई। कुल मिलाकर इस फिल्म को देखते हुए मुझे ये समझ में आया, देखिए जब फिल्म शुरू हुई तो पल्ले नहीं पड़ रहा था कि चल क्या रहा है। इतना समझ में आ रहा था कि बिग बॉस टाइप का रियलिटी शो चल रहा है लेकिन उसके जज जो हैं वो सारे गामा पा टाइप की एक्टिंग कर रहे हैं, और बिग बॉस भी एकदम पालिका बाजार वाला, मतलब सस्ता वाला बिग बॉस, सस्ते का भी सस्ता वर्जन। इंटरवल हुआ तो मुझे लगा कि भाई चलिए चलते हैं यार, कौन झेलेगा, लेकिन फिर लगा कि रिव्यू करना है भाई, पूरी देखनी पड़ेगी, ईमानदारी से रिव्यू बताना पड़ेगा। सेकेंड हाफ शुरू हुआ, फिर दूसरी कहानी में पल्ले नहीं पड़ रहा था क्या क्या कुछ कुछ हो रहा है, मतलब कुछ तो चल रहा था। तीसरी कहानी में वर्चुअल दुनिया दिखाई गई और उसमें मुझे ये समझ में आया कि वर्चुअल दुनिया और गेमिंग आज की जो जनरेशन है उसे कहीं ना कहीं भ्रमित कर रही है, बिगाड़ रही है, वो अपने कपड़े तक उतार दे रहे हैं कैमरे के सामने। देखिए एक्टिंग की बात करूं तो फिल्म में नए कलाकारों पर दाव लगाया गया है। स्वरूपा घोष, पारितोष तिवारी, बोनीता राजपुरोहित और अनुभव सिंह ने ठीक ठाक काम किया है, लेकिन भैया जब स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन ही खराब होगा तो एक्टर कर क्या लेंगे। फिल्म में मौनी रॉय को डाल दिया गया है, तुषार कपूर को डाल दिया गया है, अनु मलिक को डाल दिया गया है, अब ये सब मिलकर क्या ही कर लेते। उर्फी जावेद को भी डाला गया है लेकिन उर्फी का रोल उतना भी नहीं है जितना वो अपनी इंस्टाग्राम रील्स में नजर आती। सच बोलूं तो जब ये फिल्म शुरू हुई तो मुझे लगा कि कोई गलत रील तो नहीं प्ले कर दी गई है, मतलब ऐसा लग रहा था कि फिल्म का कोई अनएडिटेड वर्जन दिखा दिया गया। ऐसा लग रहा था कि इस फिल्म को समझने के लिए इतना दिमाग लगाना पड़ेगा जितना यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए, और मुझे लगता है कि यूपीएससी में टॉप 10 रैंक लाने वाले योद्धा भी इस फिल्म की तीनों जो कहानियां हैं, मतलब 3 कहानियां, वैसे तो एक भी नहीं है लेकिन 3 जिस तरीके से जोड़ी गई है, अगर उन्हें समझ ले तो भैया इनाम दे देना चाहिए उनको। दिवाकर बनर्जी ने फिल्म को डायरेक्ट किया है और उन्होंने डिसअपॉइंट किया। जी हाँ, मतलब आप नई जनरेशन के लिए फिल्म बना रहे हैं, आप ये कहकर फिल्म बना रहे हैं कि हम जेन जी के लिए फिल्म बना रहे हैं, लेकिन भाई समझ भी तो आनी चाहिए। जब तक आप कहानी को इस अंदाज में नहीं कहेंगे कि सामने वाला समझ सके, तब तक वो समझेगा कैसे, मैसेज जाएगा कैसे। तो भैया थिएटर जाकर अगर आराम करना चाहते हैं तो चले जाइएगा, क्योंकि खाली पड़े हुए थिएटर। मैं पहले अकेला था, फिर मुझे एक कपल दिख गया और इंटरवल में भरसक गुस्से में था कि भैया क्या बनाया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगा यार इन्हीं से पूछ लेता हूँ, जेन जी टाइप मामला लग रहा था उनका। तो कुछ अगर करने को ना हो कुछ मत कीजिएगा, बट ये फिल्म देखने मत ही जाइए। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलेंगे 5 में से 1 स्टार। We'll be right back.